नमस्कार विद्यार्थियों, आज के लेसन में हम टोनी मॉरिसन द्वारा रचित वंस अपॉन अ टाइम पढ़ रहे हैं। ये न तो निबंध है न कहानी है न तो किस्सा है न तो नाटक है, लेकिन एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सभी कुछ है। आपके किताब में जो पाठ दिया है वो टोनी मॉरिसन के स्पीच से लिया गया है, उनके भाषण से लिया गया है जो उन्होंने नोबेल प्राइज मिलने पर दिया था। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य में, और भी कई विषयों में दिया जाता है, लेकिन किसी भी लेखक के लिए इससे बड़ी गर्व की बात नहीं हो सकती है कि उसे नोबेल मिला है। और जब टोनी मॉरिसन, जो कि एक अमरीकी लेखक हैं, उन्हें ये प्राइज मिला, तब उन्होंने ये भाषण दिया जिसका शीर्षक था वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम अक्सर परिकथाओं को शुरू करने की एक तरीका होता है, जैसे कि हिंदी में हम बोलेंगे बहुत पुराने समय की बात है, वैसे ही इंग्लिश में कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम। तो परिकथाएं अक्सर ऐसे शुरू होती हैं, लेकिन ये पढ़ने के बाद पता चलेगा कि टोनी मॉरिसन ने अपने भाषण का शीर्षक वंस अपॉन अ टाइम क्यों दिया। कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसके शब्दों का मतलब जानना तो जरूरी है, ये आप जानते हैं, और अंग्रेजी के शब्द थोड़े टेढ़े भी होते हैं, कभी कभी मुश्किल भी होते हैं समझने में। तो पहले हम शब्द समझते हैं जो कि हमारे पाठ में हमारे सामने आएंगे। पहला शब्द है सूदिंग। आप देख सकते हैं हिंदी में इसका उच्चारण भी लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को शांत करना, जो कोई उत्तेजित हो उसको अगर हम शांत करें तो कहते हैं सूदिंग। या ये भी हो सकता है कि अगर हमें चोट लगी हो और कोई मलहम लगाने से हमें आराम मिले तो उस दर्द के कम होने को भी सूदिंग कहा जा सकता है। रेस्टलेस, व्याकुल, जिसका मन भाग रहा हो, जो उत्तेजित हो। रेप्यूटेशन के दो मतलब हो सकते हैं, अगर अच्छी रेप्यूटेशन के बारे में हम बात करें तो वो हुई प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा। अगर हम कहें दैट ही हैज अ बैड रेप्यूटेशन तो उसका यह मतलब हुआ कि उसका नाम खराब है, उसको अच्छे मायनों में नहीं जाना जाता है। विजडम, विवेक, समझदारी, विजडम से ही शब्द आता है। वाइज, मैं ये लिख देती हूँ आपके लिए, विजडम से ही वाइज बनता है, तो विजडम हो गया नाउन और वाइज हो गया एडजेक्टिव। जो वाइज आदमी होता है उसके पास विजडम नामक क्वालिटी रहती है। पियर लिखते हैं इसको हम पी ई ई आर, लेकिन कहते हैं पियर, किसी भी बराबरी वाले को पियर कहा जाता है। तो इस स्लाइड में हमने पांच शब्द सीखे, सूदिंग, रेस्टलेस, रेप्यूटेशन, विजडम और पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है ट्रांसग्रेशन, मतलब उल्लंघन। किसी भी नियम का उल्लंघन अगर हम करें तो कहेंगे कि हम उस रूल को ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, वो जैसा कह रहा है नियम उसके खिलाफ हमारा व्यवहार है। होल्ड समवन इन ऑ, ऑ इस शब्द का मतलब होता है विस्मय जगाना या औरों पर रौब रखना, और इसको अक्सर इस रूप में यूज किया जाता है, होल्ड समवन इन ऑ, किसी को ओ से देखना, किसी को विस्मय से देखना, उसकी बहुत इज्जत करना, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होना। रूरल, ये शायद आप जानते हो,
गांव में रहने वालों को रूरल कहा जाता है और इसका विलोम क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है, जो शहर में रहते हैं उनको अर्बन कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द रूरल और अर्बन विलोम हो गए। अगला शब्द है प्रॉफेट माने पैगंबर। ये सारे शब्द जो हम अभी सीख रहे हैं ये आपके कहानी में, सॉरी कहानी नहीं भाषण में आएंगे। प्रॉफेट पैगंबर, जो कोई भी एक धर्म की शुरुआत करता है या कोई भी धर्म उसे प्रमुख मानता है उसे प्रॉफेट कहा जाता है। तो इस स्लाइड पे हमने चार शब्द से सीखे और एक शब्द का खास प्रयोग कैसे किया जाता है वो सीखा। पांचवा शब्द अम्यूजमेंट, हंसी मजाक। इसका भी एक खास इस्तेमाल होता है, कहते हैं टू बी अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट, मतलब हंसी का पात्र होना। फिर आता है बेंट ऑन। बेंट ऑन का एकदम सही मतलब, लिटरल मतलब तो हो गया झुका होना, लेकिन इसको इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि इसका मतलब निकलता है तत्पर होना, किसी भी काम में एकदम लग जाना। तो कहा जाएगा शी इज बेंट ऑन डूइंग दिस वर्क। डिसप्रूव, किसी को गलत करार देना, इस शब्द में इसका विलोम छुपा हुआ है। डिस लगाने से अक्सर शब्द अपने विलोम में परिवर्तित हो जाता है। प्रूव मतलब किसी को सही करार देना, और अगर डिसप्रूव हुआ तो मतलब हो गया गलत करार देना। ये बहुत ही लंबा शब्द है, इसकी स्पेलिंग जरूर याद करनी चाहिए नहीं तो भूल जाएंगे। सी एल क्ल ए आई आर एर वी ओ वाई वॉय ए एन सी ई एन क्लेयर वॉयंस। इसको टूट टूट के याद करिए, क्लेयर वॉयंस, भविष्य देखने की क्षमता को क्लेयर वॉयंस कहते हैं। अगला शब्द सोली, इसका मतलब होता है सिर्फ या अकेला। यहां हमने और शब्द इकट्ठा कर लिए, चार शब्द इकट्ठा कर लिए। आगे बढ़ते हैं अपनी शब्द सूची में। प्रोफाउंड मतलब गंभीर, डिसअबिलिटी मतलब विकलांगता, नेत्रहीन होना या सुनने की क्षमता ना रखना, या कोई अंग किसी का भंग हो जाए तो उससे कहते हैं कि उसमें डिसअबिलिटी है। वेदर, वेदर का मतलब होता है या, मतलब तो बहुत साधारण है, या मतलब वेदर शी इज लेट और अर्ली। We will find out whether she is late or early. हमें पता चलेगा क्या वो देर से आएगी या टाइम पे आएगी। इसमें एक बात ध्यान रखिए कि ये weather और एक दूसरा शब्द एकदम एक ही ढंग से कहे जाते हैं, लेकिन इनका मतलब एकदम अलग अलग होता है। ये weather तो हो गया जोड़ने का शब्द, या ये या ये या वो, और ये weather हो गया मौसम। हिंदी में भी हमारे कई शब्द होते हैं जिनके दो मतलब होते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में वेदर और वेदर कहे एक जैसे जाते हैं लेकिन मतलब अलग रखते हैं। फिर आया ब्लाइंड माने नेत्रहीन होना। यहाँ पे मतलब में अंधी भी लिखा गया है, क्योंकि ये जो भाषण है इसमें टोनी मॉरिसन एक नेत्रहीन महिला का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अंधी कहना शिष्टाचार में अच्छा नहीं माना जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं जो देख नहीं सकता है, तो अगर उसके बारे में हम पोलाइटली बात करना चाहें तो हम उसे नेत्रहीन कहेंगे, अंधा नहीं कहेंगे। अगला शब्द है जेंडर माने लिंग, या पुलिंग, स्त्रीलिंग, या अब तो और भी कई जेंडर्स की बात होती है, ट्रांसजेंडर की बात होती है, उसमें भी जेंडर का मतलब होता है लिंग।
हैविंग ट्रबल, एक बार फिर ये एक अलग तरह का यूज इसका है, लिटरल मीनिंग हो गया, शब्दार्थ अगर खाली हम माने तो मतलब हो गया दिक्कत में होना, लेकिन इसको ऐसा प्रयोग में लाया जाता है कि इसका मतलब निकले किसी काम करने में दिक्कत होना, मुश्किल होना. आई एम हैविंग ट्रबल स्टैंडिंग, माने मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही है, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पैर में मोच आ गई है, तो कहूंगी आई एम हैविंग ट्रबल स्टैंडिंग. या ये भी कह सकते हैं अगर मुझे कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो तो आई एम हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग. होल्डिंग देयर लाफ्टर, लाफ्टर तो आप जानते ही हैं, लाफ्टर का मतलब होता है हंसी. हंसी को पकड़ते तो नहीं है, हालांकि होल्ड का मतलब पकड़ना होता है. होल्डिंग लाफ्टर मतलब हो गया हंसी को रोकना, हंसी को रोक पाना मतलब हुआ होल्डिंग देयर लाफ्टर. अब आखिरी तीन शब्दों पे आते हैं, माफ कीजिएगा, ये थे हमारे सारे शब्द जो हमने अभी तक इकट्ठा किए हैं. किसी स्लाइड पे 5 थे, किसी पे 4 थे, किसी में 3 थे, कुल मिला के इतने शब्द हमने इकट्ठा किए हैं, इनका मतलब जानना है. इसमें से किन्हीं 5 का जल्दी से रिवीजन करूंगी, लेकिन आप वीडियो पॉज करके ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा कि क्या मतलब होता है. आपके साथ रिवाइज करूंगी बड़े बड़े शब्द. ट्रांसग्रेशन, इसका मतलब था उल्लंघन. मतलब किसी नियम को तोड़ना, ट्रांसग्रेशन. क्लेयरवॉयंस, भविष्य देखने की शक्ति. पहला शब्द रिवाइज किया, दूसरा शब्द रिवाइज किया, तीसरा शब्द लेते हैं प्रोफाउंड मतलब गंभीर, चौथा लेते हैं सूदिंग माने किसी को शांत करना, और एक और शब्द रिवाइज करते हैं प्रॉफिट्स माने पैगंबर. लेकिन यहाँ बहुत से और शब्द हैं तो याद करने की कोशिश करिए, पियर का क्या मतलब होता है, रेस्टलेस का क्या मतलब होता है, सोल्ली का क्या मतलब होता है, वगैरह वगैरह. और अब एक छोटा सा हम अभ्यास करेंगे इन्हीं शब्दों को लेकर. अब तक हमने जितने शब्द सीखे, जितने शब्दों के अर्थ हमने जाने, उनमें से 10 शब्द हमने चुने हैं जो आपके सामने लिखे हैं, और इन पर आधारित हम एक अभ्यास करेंगे थोड़ा रिवाइज करने के लिए कि इनके मतलब अच्छे से समझ में आ गए कि नहीं. आपके सामने पहला वाक्य रखूंगी. द ओल्ड वुमन वॉज गुड एट सूदिंग - चिल्ड्रन. इसमें आपको ये निर्धारित करना है, ये डिसाइड करना है कि नीचे जो 10 शब्द लिखे हैं उनमें से कौन सा शब्द यहाँ पर सटीक बैठता है. मैं एक बार 10 शब्द पढ़ देती हूँ और याद करने की कोशिश करिए इनके मतलब क्या थे. बेंट, वेदर, प्रोफाउंड, अम्यूजमेंट, ऑ, होल्ड, रेस्टलेस, ट्रबल, क्लेयरवॉयंट, पियर. पहला वाक्य क्या है? The old woman was good at soothing - children. वृद्ध महिला में ये काबिलियत थी कि वो - बच्चों को सूद कर सके. सूद का मतलब उनको शांत कर सके. कैसे बच्चों को शांत कराना होगा? जो उत्तेजित होंगे, याद करिए उत्तेजित का अंग्रेजी शब्द क्या था? वो था रेस्टलेस. तो जो शब्द हम चूज कर लेंगे उसमें यहाँ गोला लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं सही उत्तर, रेस्टलेस. अब अगला वाक्य देखते हैं. हर विजडम वॉज विदाउट - एंड विदाउट क्वेश्चन. वाक्य का अर्थ हुआ उनका विवेक
बिना डैश और बिना प्रश्न के था, यानी उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, लेकिन विदाउट क्वेश्चन का ये भी मतलब होता है कि इतनी प्रसिद्धि थी उनकी समझदारी की कि कोई उनको गलत नहीं मानता था। इसका उत्तर अभी नहीं बताऊंगी, सोचिए ऐसा कौन सा शब्द था जिसका मतलब था कि जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिसकी कोई बराबरी ना हो, वो हमने किस शब्द से इंडिकेट किया था। तीसरा, पीपल ऑनर हर एंड होल्ड हर इन डैश। होल्ड हर के साथ कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था जिसका मतलब होता था कि लोग उन्हें इज्जत देते थे, उनसे बहुत प्रभावित रहते थे, उनकी तरफ बहुत विस्मय की दृष्टि से देखते थे। फोर्थ, रूरल प्रॉफिट्स आर अ सोर्स ऑफ डैश फॉर सिटी पीपल। गांव देहात से निकले हुए पैगंबर शहर के लोगों के लिए, सिटी पीपल के लिए कैसे होते हैं? शहर के लोग गांव देहात से निकले हुए पैगंबरों को या ऐसे लोगों को जो कहते हों कि हमें पता है कि सही तरीका क्या है, समझदारी क्या है, कभी कभी कुछ वैद्य भी होते हैं जिनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती है, और वो अगर शहर पहुंच जाएं और कहें कि आप हॉस्पिटल का इलाज छोड़ के हमारा इलाज करिए, तो शहर के लोग किस दृष्टि से उन्हें देखते हैं। फाइव, सम यंग पीपल आर डैश ऑन प्रूविंग द वुमन रॉन्ग। कुछ किशोर लोग, युवा लोग इस महिला को गलत ठहराना चाहते थे। प्रूविंग द वुमन रॉन्ग, साबित करना चाहते थे। प्रूव का मतलब साबित करना, साबित करना चाहते थे कि ये समझदार महिला जिससे लोग बहुत प्रभावित हैं, वाकई में उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए अब सही उत्तर जानते हैं। हर विजडम वॉज विदाउट फियर एंड विदाउट क्वेश्चन। पीपल ऑनर हर एंड होल्ड हर इन ऑ। रूरल प्रॉफिट्स आर अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट। शहर के लोग गांव देहात के ऐसे व्यक्ति पे जो कहे कि मुझे सही बात पता है, उस पर मजाक करते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं अक्सर, सभी लोग नहीं लेकिन अक्सर। सम यंग पीपल आर डैश ऑन प्रूविंग द वुमन रॉन्ग। ये एक मुहावरे की तरह यूज होता है, बेंट ऑन, ये भी हमने पहले वीडियो में इस पर हमने बात की है। अगर आप चाहें तो रिवाइंड करके फिर से समझ सकते हैं कि इन शब्दों के मतलब क्या थे। और इन शब्दों पर मैं इतना ध्यान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये सारे शब्द आपके पाठ में आएंगे, और अगर पहले से इनका मतलब आपको पता होगा तो पाठ बहुत सरल हो जाएगा, उसको समझने में आसानी होगी। नीचे हमारे पास 10 शब्द थे, इसमें से हमने क्या क्या यूज कर लिया। ओ आ गया, बेंट आ गया, अम्यूजमेंट आ गया और पियर आ गया। अब बाकी के 5 शब्दों के लिए 5 और वाक्य का अभ्यास करते हैं। छठा वाक्य, दे डू नॉट बिलीव दैट शी इज डैश। वो नहीं मानते कि वो डैश हैं। मैनी पीपल रिगार्ड हर ब्लाइंडनेस एज अ डैश डिसेबिलिटी। कई लोग रिगार्ड मतलब कोई मानना रखना, मानते हैं कि उनका नेत्रहीन होना एक डैश विकलांगता, डिसेबिलिटी है। टेल मी डैश द बर्ड इन माई हैंड इज लिविंग और डेड। बताइए मुझे मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो मृत है या जीवित है। मैनी पीपल हैव डैश पेइंग अटेंशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कई लोगों को बहुत लंबे समय तक ध्यान देने में डैश होता है। माई सिस्टर कैनॉट डैश हर लाफ्टर व्हेन द कपिल शर्मा शो इज ऑन। मेरी बहन अपनी हंसी डैश
नहीं कर पाती है जब वो कपिल शर्मा का शो देखती है। आप जानते हैं ये कॉमेडी शो है, तो इसमें किसी का भी क्या रिएक्शन होगा। मैं चाहूंगी कि आप वीडियो यहाँ पॉज कर दें और 5 मिनट सोचें कि कौन सा शब्द कहाँ जाएगा। उसके बाद आंसर तो मैं दे ही रही हूँ, वो पता ही लग जाएगा आपको, लेकिन अगर खुद सोचेंगे, अगर गलती भी हो जाएगा तो भी उसका सही आंसर मिलने में फिर ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन होगा, आपको ज़्यादा खुशी होगी कि आपको सही आंसर मिला, अगर गलत भी लिखा है तो भी। आशा है आपने खुद कुछ आंसर्स बनाए होंगे। चलिए सही आंसर बता देते हैं आपको। पहले तो वो कैंसिल कर दें जो हम पिछले 5 में अभ्यास कर चुके हैं। हम बेंट कर चुके थे, अम्यूजमेंट कर चुके थे, रेस्टलेस कर चुके थे, और भी हमने इस्तेमाल किया था और पियर भी इस्तेमाल किया था। बाकी के ये 5 शब्द हमें यहाँ हटाने हैं। दे डू नॉट बिलीव दैट शी इज क्लेयरवॉयंट, वो ये नहीं मानते हैं कि इस नेत्रहीन महिला के पास भविष्य जानने की क्षमता है। मेनी पीपल रिगार्ड हर ब्लाइंडनेस एज अ प्रोफाउंड, उसे बहुत गंभीर विकलांगता मानते हैं। टेल मी डैश द बर्ड इन माई हैंड इज लिविंग और डेड, ये एक सेंटेंस का बड़ा ही स्टैंडर्ड ढांचा होता है। जब हम कह रहे हैं ये है या ये है, तो और के साथ वेदर शब्द आता है। टेल मी वेदर द बर्ड इन माई हैंड इज लिविंग और डेड, मैनी पीपल हैव डैश पेइंग अटेंशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारी लिस्ट में से जो शब्द यहाँ आएगा वो है ट्रबल। इसका मतलब वही हुआ कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मैनी पीपल टू पे अटेंशन। डिफिकल्ट कहने का एक और तरीका होता है टू हैव ट्रबल। माई सिस्टर कैनॉट डैश हर लाफ्टर, जब कोई अपने आप को हंसने से ना रोक पाए तो कहते हैं कैनॉट होल्ड हर लाफ्टर व्हेन द कपिल शर्मा शो इज ऑन। तो इन शब्दों का अभ्यास हो गया और अब चलिए हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। आपकी किताब खोलेंगे जिसमें ये लेसन है, चैप्टर 6 पैनोरमा पुस्तक में। चैप्टर 6 है वंस अपॉन अ टाइम टोनी मॉरिसन। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। Once upon a time. Once upon a time, there was an old woman. एक समय की बात है, बहुत वृद्ध महिला थी। वृद्ध महिला थी, वेरी नहीं है, वृद्ध महिला थी। Blind but wise, नेत्रहीन किंतु समझदार। Or an old man, या कोई वृद्ध पुरुष था। A guru perhaps, soothing restless children. वो गुरु था शायद, perhaps मतलब शायद। I have heard this story or one exactly like it in the lore of several cultures. मैंने ये कहानी या शायद एक ऐसी कहानी जो एकदम इसके जैसी थी, सुनी है कई संस्कृतियों, कल्चर यानी संस्कृतियों के किस्सों में। लोर मतलब वैसी कहानियाँ जो किसी ने लिखी नहीं होती हैं या हमें पता नहीं किसने लिखी थी, वो मुँह ज़बानी कई पुश्तों तक पुश्त दर पुश्त आती जा रही हैं, हम उन्हें याद रखते हैं, सभी सुनते हैं, सबको पता है, जैसे कि विक्रम बेताल की कहानियाँ या कई कहानियाँ जो
हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, वो किसी किताब से पढ़ के नहीं सुनाते, वो उनके मन में रहती है और पूरी कहानी उनको याद रहती है, उसे लोर कहते हैं। किस्से, तो लोर का मतलब आप समझ लें किस्से, मैंने पुराने किस्सों में सुना है। एक चीज पे ध्यान दें, यहाँ पे आपके ये कोटेशन मार्क्स आ रहे हैं, है ना, इसका मतलब टोनी मॉरिसन जब ये भाषण दे रही हैं तो ये लाइन वो कहना चाह रही है कि वो किसी और को कोट कर रही हैं, वो किसी और की कही हुई बात यहाँ दोहरा रही हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड बट वाइज, और फिर उसमें अपना जोड़ रही हैं कि पुरानी कहानी में वो वृद्ध महिला थी, वृद्ध पुरुष था, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि शायद दोनों का तात्पर्य सिर्फ एक विवेकी गुरु से है, उसका लिंग कोई मायने नहीं रखता। फिर दोहराती हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड एंड वाइज, ब्लाइंड वाइज, देखिए एक ही शब्द के बाद फुल स्टॉप लग गया, मतलब वो इन दोनों क्वालिटीज पे, इस वृद्ध गुरु की ये जो दोनों बातें हैं कि वो नेत्रहीन भी हैं और समझदार भी हैं, विवेकी भी हैं, टोनी मॉरिसन उसे उभारना चाहती है। इन द वर्जन आई नो, जो कहानी का रूप मुझे पता है, इन द वर्जन, वर्जन माने रूप, I know the woman is the daughter of slaves, black American, and lives alone in a small house outside of town. कहानी का जो रूप मुझे पता है उसमें जो महिला है वो गुलामों की बेटी है, अश्वेत गुलामों की, अमेरिकन अश्वेत गुलामों की, और अकेले रहती है एक छोटे से घर में शहर के बाहर। ये आप पहले वीडियो में जान चुके हैं कि टोनी मॉरिसन अश्वेत लेखिका हैं और अमेरिका में गुलामी का बहुत ही दर्दनाक इतिहास रहा है। अमेरिका के बारे में जब हम सोचते हैं तो सोचते हैं बड़ा अमीर देश है, वहाँ तो सब लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं और स्पोर्ट्स कार चलाते हैं और किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे अश्वेत लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, सदियों तक बहुत बुरा बर्ताव हुआ, उन्हें गुलाम बनाकर जंजीरों में कैद करके जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता था। और अभी भी हालांकि गुलामी प्रथा खत्म हुए 200 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ भेदभाव है। और टोनी मॉरिसन को ये नोबेल पुरस्कार जब 1993 में दिया गया तो नोबेल कमिटी ने यही कहा उनके बारे में कि वो अमरीकी वास्तविकता का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा उभारती हैं अपने लेख में। वो हमेशा इस बारे में लिखती हैं कि गुलामों के साथ कितना अन्याय हुआ और आज भी उनके साथ अन्याय, उनके बाकी पुश्तों के साथ अन्याय होता आ रहा है। तो कहती हैं ये गुरु जो है ये ऐसी ही गुलामों की बेटी है, अश्वेत अमरीकी गुलामों की बेटी है जो बाहर रहती है, शहर के बाहर एक छोटे से घर में रहती है। हर रेप्यूटेशन, आपको याद होगा ये शब्द हमने किया था, हर रेप्यूटेशन उनकी इज्जत, फॉर विजडम इज विदाउट फियर एंड विदाउट क्वेश्चन, और उनकी विवेकी होने की जो रेप्यूटेशन है, विवेकी होने के लिए उन्हें जो इज्जत दी जाती है वो बेमिसाल है, विदाउट फियर एंड विदाउट क्वेश्चन, उस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाता। अमंग हर पीपल शी इज बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन, ये बड़ा टेढ़ा वाक्य है, समझने की कोशिश करते हैं। अपने लोगों के बीच में अमंग हर पीपल वो नियम भी हैं और नियम तोड़ने वाली भी हैं, माने कि वो इतनी विवेकी हैं कि अगर वो कुछ ऐसा कहें जो सामाजिक कायदे के खिलाफ है तो भी उनको कोई गलत नहीं कहेगा, और
ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे समाज में कई बुरी प्रथाएं थी, जैसे कि बाल विवाह कर दिया जाता था 4 साल 6 साल बहुत छोटी छोटी लड़कियों का, और उसके खिलाफ हिंदू समाज के ही प्रोग्रेसिव लोगों ने आवाज़ उठाई, ऐसे लोग जो इस प्रथा को बुरा मानते थे और चाहते थे कि लड़की का बचपन इस तरह से ना ख़त्म किया जाए, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो वो लोग एक तरह से बहुत प्रतिष्ठित थे, इसलिए लॉ भी थे, वो ही मानक थे समाज के, लेकिन उन्होंने ही ये सारे नियम तोड़ने शुरू किए। तो ये महिला भी कुछ ऐसी ही हैं, शी इज बोथ द लॉ, नियम भी हैं, और अगर वो नियम तोड़ भी दें, ट्रांसग्रेस कर दें, तो भी उन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। द ऑनर शी इज पेड, उनकी जो इज्जत की जाती है, एंड द ऑ इन विच शी इज हेल्ड, और जिस विस्मय से लोग उनके प्रति देखते हैं, रीच बियॉन्ड हर नेबरहुड टू प्लेसेस फार अवे, उनकी ये प्रसिद्धि बियॉन्ड हर नेबरहुड दूर दूर तक, आसपास जगहों से भी दूर दूर तक फैली हुई है। कहाँ तक? टू द सिटी वेयर द इंटेलिजेंस ऑफ रूरल प्रोफेट्स इज द सोर्स ऑफ मच अम्यूजमेंट, शहर तक भी फैली हुई है, जहाँ पे अक्सर लोग गांव देहात छोटे शहरों से आए हुए विद्वानों पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। प्रॉफिट्स यहाँ एग्जैक्टली पैगंबर का मतलब नहीं रखता है, इसका मतलब कोई भी विद्वान आदमी जो अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहे। आगे बढ़ते हैं। वन डे द वुमन इज विजिटेड बाय सम यंग पीपल हु सीम बेंट ऑन डिस्प्रूविंग हर क्लेयरवॉयंस एंड शोइंग हर अप फॉर द फ्रॉड दे बिलीव शी इज। एक दिन कुछ किशोर लोग, यंग पीपल, जो मानते हैं कि ये महिला फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं, फ्रॉड का मतलब धोखेबाज, वो इन्हें विवेकी नहीं मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग उन पर प्रश्न नहीं उठाते हैं, उनकी प्रसिद्धि जो है वो विदाउट पियर है, लेकिन कुछ एक लोग हैं कम उम्र के जो उन्हें धोखेबाज मानते हैं और क्या करना चाहते हैं, बेंट ऑन डिस्प्रूविंग, और इस पर तत्पर हैं कि वो ये साबित कर दें कि इनमें भविष्य देखने की, क्लेयरवॉयंस की कोई भी काबिलियत नहीं है। देयर प्लान इज सिंपल, इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया है, युक्ति सोचिए। दे एंटर हर हाउस एंड आस्क द वन क्वेश्चन द आंसर टू विच राइड्स सोलली ऑन हर डिफरेंस फ्रॉम देम, a difference they regard as a profound disability। उनकी युक्ति यह है कि वो उनके घर में घुसेंगे और एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर देने के लिए एक ऐसी काबिलियत चाहिए जो इस महिला के पास है ही नहीं। तो ये उत्तर देने के लिए which rides slowly on, टू राइड ऑन समथिंग, तो वैसे तो राइड का मतलब होता है घुड़सवारी करना या साइकिल पे राइड करना, लेकिन यहाँ राइड का मतलब है किसी बात पे निर्भर होना। तो वो ये प्रश्न तभी उत्तरित कर पाएंगे जब उनके पास एक ऐसी काबिलियत हो जो उनके पास नहीं है। सोलली, सिर्फ इस बात पर ये किशोर लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आज तो बता ही देंगे कि ये धोखेबाज हैं, और क्या उनका स्रोत है कॉन्फिडेंस का, क्योंकि इस महिला में एक ऐसा फर्क है, डिफरेंस है, जो इन किशोरों की नज़र में एक बहुत ही गहरी गंभीर विकलांगता है, उनकी नेत्रहीनता। माने वो ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो नेत्रहीन व्यक्ति नहीं आंसर कर सकता है। They stand before her and one of them says, उनके सामने खड़े होकर एक बोलता है, Old woman, I hold in my hand a bird. Tell me whether it is living or dead. महाशया, मेरे हाथ में एक चिड़िया है,
बताइए मुझे क्या वो मृत है, क्या वो जीवित है, लिविंग मतलब जीवित, क्या वो मृत है या जीवित है, जीवित है या मृत है। फिर क्या होता है, शी डज नॉट आंसर एंड द क्वेश्चन इज रिपीटेड, वो उत्तर नहीं देती हैं और क्वेश्चन को दोहराया जाता है। रिपीटेड मतलब किसी चीज को दोहराना। इज द बर्ड आई एम होल्डिंग लिविंग और डेड, फिर से कहता है जो चिड़िया मैं पकड़े हूं वो जीवित है या मृत है। स्टिल शी डज नॉट आंसर, स्टिल फिर भी वो आंसर नहीं देती हैं, वो उत्तर नहीं देती हैं। शी इज ब्लाइंड एंड कैनॉट सी हर विजिटर्स, वो नेत्रहीन हैं और अपने विजिटर्स को, अपने मेहमानों को नहीं देख सकती जो उनसे मिलने आए हैं। लेट अलोन वॉट इज इन देयर हैंड्स, हाथ में जो है वो देखने की बात तो दूर हुई। शी डज नॉट नो देयर कलर, जेंडर और होमलैंड, उसको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। शी डज नॉट नो, नहीं पता किस रंग के हैं, किस लिंग के हैं, माने श्वेत हैं, अश्वेत हैं, मर्द हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, और होमलैंड या कहाँ से आए हैं। She only knows their motive. लेकिन ऐसी बात उनको ज़रूर पता है जिसके लिए नेत्र की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विवेक की ज़रूरत है। वो जानती हैं कि उनका कारण क्या है, उनका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का, उनका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का। The old woman's silence is so long. The young people have trouble holding their laughter. वृद्ध महिला की चुप्पी, साइलेंस, इतनी देर तक रहती है कि ये किशोर लोग मुश्किल में आ जाते हैं कि हंसी कैसे रोकें। इनको अपनी हंसी रोकने में दिक्कत होती है कि देखो पूरी दुनिया इनको इतना विवेकी मानता है कि इनसे समझदार तो कोई है ही नहीं, और हमने ऐसा प्रश्न पूछ दिया ये चुप हो गई, तो इनको ये बहुत हास्यप्रद बात लगती है। दे हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर, उन्हें अपना हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है।